हाँ जी, इंग्लिश बोलने में डर लगता है, हैं? कोचिंग लेनी पड़ेगी, मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी। अरे क्यों टेंशन ले रहे, थारा भाई है ना, तुम्हें ऐसी इंग्लिश बोलना सिखाओगे अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे। बस ये वीडियो एंड तक देखनी है, और जो तुमने पसंद आवे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। भाई को सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, ठीक है? लाडले मेरी बात ना ध्यान से सुन, जो मैं कहूँगा मेरे साथ साथ बस बोलना है, फालतू कुछ नहीं करना, ठीक है? तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, हाँ फिर के चा तजय, हाँ फिर के चा तजय, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहना है सो व्हाट डू यू वांट, सो हाँ फिर व्हाट डू यू वांट के चा तजय, ओके। अगला सेंटेंस है हमारा, हाँ बता के कहवे था, हाँ बता के कहवे था, को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हमने कहना है या टेल मी, या टेल मी, हाँ बता, व्हाट डिड यू वांट टू से, के कहवे था। आगे बात समझ में, मेरे साथ साथ बोलना है आपने, देसी में देसी एक्सेंट, इंग्लिश में इंग्लिश एक्सेंट, ठीक है? या बात सुन के मेरा तो रोन को जी कर रहा, होता है ना कई बार किसी बात को सुन के रोन ने जी कर जा, तो क्या कह रहा है? या बात सुन के मेरा तो रोन को जी कर रहा, इंग्लिश में क्या कहना है? इंग्लिश में कहना है आफ्टर हियरिंग दिस, आफ्टर हियरिंग दिस, या बात सुन के आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक, यानी कि मेरा तो रोन को जी कर रहा। आगे बात समझ में, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। कहता है तू तो जमा ही बावली तरेड़ है, बुद्धि ते काम ले ले, तू तो जमा ही बावली तरेड़ है, बुद्धि ते काम ले ले, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे यू आर एन एब्सोल्यूट नट, यू आर एन एब्सोल्यूट नट, यानी कि तू तो जमा ही बावली तरेड़ है, बुद्धि ते काम ले ले, यूज योर ब्रेन यू इडियट, यूज योर ब्रेन यू इडियट, ओके। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। कहता है सपोज कीजिए कोई देवर है अपनी बाबी से, कहता है बाबी का नाम है शिला, कहता है के कर रही शिला, शिला जवाब देती है सब्जी छोलू, तो इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहना है? इंग्लिश में कहना है व्हाट आर यू डूइंग शिला, व्हाट आर यू डूइंग शिला, हाँ शिला के कर रही है, शिला का जवाब क्या आता है? सब्जी छोलू, छोलना यानी कि पील ऑफ करना, तो इंग्लिश में क्या कहना है? जस्ट पीलिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं होता वेजिटेबल्स होता है, बोलना सीखिए वेजिटेबल्स, तो क्या कहता है? जस्ट पीलिंग ऑफ द वेजिटेबल्स। यहां तक समझ में आ गया? आगे की बात करें, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है भाई, जाके लत्ते सुखाया, जाके लत्ते सुखाया, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे गो जाके एंड पुट द क्लोथ टू ड्राई, यानी कि लत्ते सुखाया, मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है? गो एंड पुट द क्लोथ टू ड्राई, ठीक है? अगला सेंटेंस देखे, अगले सेंटेंस में कहता है चल खाट बिछा के आ अपने बाबा की लिया, और बिस्तरे पे चादर बिछा दिए सुल्लू नाप। भाई ये सेंटेंस आप हर शाम अपने पिताजी से सुनते होंगे, क्योंकि मैं ये सेंटेंस हर रोज सुनता हूं, तो देखिए मैं आपको सिर्फ वो बातें सिखा रहा हूं जो आप रोजमर्रा में सुनते हैं या बोलते हैं, ओके। तो इंग्लिश में देख ले एक बार से क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे गो एंड मेक द बेड फॉर योर ग्रैंडपा, गो जा एंड मेक द बेड फॉर योर ग्रैंडपा, यानी अपने बाबा की खाट बिछाया, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड द शीट प्रॉपरली, और सुल्लू नाप चद्दर या बिस्तरा बिछाना ना भूलिए। एक बार फिर से बोलते हैं गो एंड मेक द बेड फॉर योर ग्रैंडपा, यानी कि जा और खाट बिछाया, एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड द शीट प्रॉपरली, चादर बिछाना प्रॉपरली, सुल्लू नाप डोंट फॉरगेट, भूलिए ना। आ गया समझ में? अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले में कहता है बीत का सारे ना खड़ा हुए, कई बार होता है ना ऐसे ऐसे बीत का सारा लेके, फिर आप मेट्रो में देखते होंगे दरवाजे पे ऐसे खड़े रहे लोग, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जब सारा लेकर नहीं, सहारा लेने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीन, और उसका प्रीपोजिशन लगाते हैं अगेंस्ट, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, और जो कोई दरवाजे के सारे खड़ा हो तो क्या कहेंगे? डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, मेट्रो स्टेशन पर लिखा होता है ना, तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, यानी बीत का सारा लेकर खड़ा ना हो। आगे चले भाई, कई बार क्या होता है, कई लोग इतने मक्कार हो, जो बस में साइड में कोई सुंदर सी औरत आके बैठ जाना है तो सोन की एक्टिंग करेंगे, और नींद के बहाने उनके कंधे पे सिर धर लेंगे,
तो फिर वो औरत उसे क्या कहेगी? वह औरत उसे कहेगी, परे ना मर ले, मेरे कंधे पे सिर ना धरे, ऐसे ही कहेगी। तो इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। परे ने मरले को आप लोग कह सकते हैं गेट अवे या फिर गेट असाइड। गेट असाइड, गेट अवे, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि परे ने मरले, ठीक है। फिर टू नॉट लीन योर हेड ऑन माय शोल्डर, यानी कि अपना सिर मेरे कंधे पे ना धरे। एक बार फिर से बोलते हैं, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माय शोल्डर। शोल्डर यानी कि कंधा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखे, अगले में कहता है रोला ना देवे। होते ना कई लोग घंट हाड़ू के बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं? अरे रोला ना देवे, छुआया छुआया बोल, कोई और सुन लेगा, राइट। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे डोंट शाउट, रोला ना देवे। आप कह सकते हैं डोंट मेक ए नॉइस। डोंट मेक ए नॉइस हम कहते हैं जब कोई शोर मचा रहा होता है, लेकिन अगर कोई चिल्ला रहा हो तो आप कहते हैं डोंट शाउट, किलकी ना मारे, राइट। जैसे मैं इस वक्त किलकी मार रहा हूं, तो डोंट शाउट। और फिर मैंने क्या कहा, छुआया छुआया बोल, तो आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्वाइटली, धीरे धीरे बात कर। वो ग्रह लुगाई कर रहे, अरे नू बताओ के नू आराम के, राइट। जैसे औरतें करती हैं बातें, स्पीक सॉफ्टली, ओके। अब एक तरीका और है, आप कई बार कहते हो अरे तावड़ ना करे फुप्पा, सहज सहज बोल, यानी कई बार आप बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि आपने बोला क्या। तो लोग कहते हैं तावड़ ना करे, तावड़ ना करे को इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट रश, डोंट रश, तावड़ ना करे, सहज सहज बोल, यानी कि स्पीक स्लोली, स्पीड नहीं पकड़नी, स्पीक स्लोली। उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और अगर बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दो, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको सिखाएगी, बोर्ड पे क्या लिख रहा वो नहीं सिखाएगा। तो भाई मारा अगला सेंटेंस है, सुन नहीं रहा ठाड़ू का बोल, कहाँ यूज़ करते हो? जब फ़ोन आता है नेटवर्क नहीं होते तो हम ऐसे ही कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सुन नहीं रहा ठाड़ू का बोल। अब इस चीज़ को इंग्लिश में अगर आपने इंप्रेशन बनाना है फ़ोन पे तो कैसे कहोगे? बात को ध्यान से सुनना, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। सॉरी आई कांट हियर यू, सॉरी आई कांट हियर यू, माफ करना मैं सुन नहीं पा रहा हूं, यानी कि सुन नहीं रहा। आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब सुनाई नहीं दे रहा है। सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल, और ठाड़ू के बोल, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड, ठाड़ू के बोल। आगे बात समझ में, एक बार पूरा सेंटेंस बोलते हैं, सॉरी आई कांट हियर यू, यू आर नॉट ऑडिबल, स्पीक अलाउड, ठीक है। अगले सेंटेंस में चलते हैं, अगले में कहता है कि कम से कम मैं क्या कहना चाह रहा, सिमझण की कोशिश तो कर ले। अब भाई ये स्थिति आप कहां देखते हैं? ये स्थिति आप देखते हैं एक मैरिड कपल के बीच में, बेचारा पति अपनी घरवाली को बस यही कहता रहता है, अरे कम से कम भगवान सिमझ तो ले, मैं क्या कहना चाह रहा। तो इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आपने इंग्लिश में सिर्फ इतना कहना है एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, At least try to understand, कम से कम समझने की कोशिश तो कर। What I'm trying to say, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? At least try to understand what I'm trying to say. आप ऐसे भी कह सकते हैं At least listen, कम से कम सुन तो ले। What I'm trying to make you understand, मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा। बात आई समझ में? फिर से बोलते हैं At least try to understand what I'm trying to say, या फिर आप कह सकते हैं At least listen What I am trying to make you understand. आगे बात समझ में? अगले सेंटेंस की तरफ चलते, इजाजत है? अगले में कहता है रस ने मेरी डब्बू आंख मारी। कोई लड़का आपसे कहता है बस स्टैंड पे बैठे सपोज करो, ठीक है, वो कहता है वो भाई देखिए रे उसने मेरी डब्बू आंख मारी, उसका आप दोस्त क्या कहेगा? अरे चल रहे बकवास ना मारे। अब इस चीज को इंग्लिश में क्या कहना है? इंग्लिश में कहना है हे शी विंक्ड एट मी, विंक यानी कि आंख मारना। तो आप क्या कहेंगे? हे शी विंक्ड एट मी, तो दोस्त क्या कहेगा? चल रहे चल रहे, कम ऑन कम ऑन, डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी कि बकवास, ओके, डोंट टॉक नॉनसेंस यानी कि बकवास ना मारे। तो फिर से बोलते हैं हे शी विंक्ड एट मी, कम ऑन डोंट टॉक नॉनसेंस, चल रहे बकवास ना मारे, ठीक है। अब अगला सेंटेंस बड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला सेंटेंस है मारे ऊपर, कहता है मेरी गैल अड़जिए ना, मेरी गैल अड़जिए ना, बड़ोत का जाट हूं मैं, पहले रैपटा मारूंगा फिर पूछूंगा दिक्कत के थी। इंग्लिश में बनाए, इंग्लिश में बनाते हैं, चलिए।
कहता है डोंट मैस विद मी. मैस का मतलब होता है किसी के साथ पंगा लेना, अड़जना. तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है डोंट मैस विद मी. आई एम जॉट फ्रॉम बड़ोत, और बड़ोत से होने का बड़ा घमंड होता है यार. सो आई एम जॉट फ्रॉम बड़ोत, आई स्मैश योर फेस फर्स्ट. स्मैश समवन्स फेस, थोपड़ा बिगाड़ देना, रैपटा मारना. Smash, okay? I'll smash your face first and ask later. Ask later, यानी कि बाद में पूछूंगा what the problem was, कि दिक्कत के थी. Okay? तो पूरे sentence को एक साथ पढ़ते हैं. कहता है don't mess with me, I'm a jot from Badoth. Okay? I'll smash your face first and ask later what the problem was. कोई दिक्कत हो यहाँ तक का तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना बोलना. और जो भी थारी फरमाइश हुआ करे ना बता दिया करो, थारा भाई है यहाँ. ठीक है यहाँ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब समझ में आ रहा? अगला सेंटेंस देख ले. अगले में कहता है अरे फिर कद मिलेगा. कोई जान लग रहा, जब कोई जान नहीं क्या कह रहा ना, अरे फिर कद मिलेगा. इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहना है हे व्हेन विल वी मीट अगेन. हे रे When will we meet again? फिर कद मिलेगा. ठीक है. कहता है गैल चले मेरी. जो गणेश जी कर रहा हो तो गैल चल, गैल चले के मेरी. इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे Do you wanna come with me? Wanna यानी कि क्या आपकी इच्छा है come with me मेरे साथ आने की. तो मेरी गैल चले के इंग्लिश में क्या कहना है? सिंपल सा है Do you wanna come with me? Do you wanna come with me? मेरे साथ साथ बोलते रहना. ठीक है. अगले में कहता है मी बरसण न हो रहा. अब वो तो सुना ही होगा आपने, अर र र बरसण न हो रहा, अर र बादल पड़ेगी, हर मेरी काची असनाई, हर मेरा नेग बिगाड़ेगी. मालण री भाई, रागणी नहीं गणी, अंग्रेजी सीखनी है. ठीक है. तो यहां पे कहता है मी बरसण न हो रहा, यानी कि बारिश होने वाली है. तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इट इज अबाउट टू रेन. अबाउट टू कुछ होने वाला है. क्या होने वाला है? रेन यानी कि बारिश. तो इंग्लिश में कहेंगे इट इज अबाउट टू रेन. ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहियो, बता रहा हूं. अगले सेंटेंस में कहता है मुझे तो घना ही चड्डा लग रहा आज. कई बार होता है ना सुबह सुबह घना चड्डा लगता है, नाड़ू जी नहीं करता. तो आप कह रहे हैं मुझे तो घना ही चड्डा लग रहा आज. इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम फीलिंग. आई एम फीलिंग मतलब लग रहा है. क्या लग रहा है? टू कोल्ड, घना चड्डा. आज को क्या कहेंगे? टुडे. पूरा सेंटेंस बोल ले आई एम फीलिंग टू कोल्ड टुडे. मुझे तो आज घना ही चड्डा लग रहा. ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं. अगले में कहता है गणे बहाने ना मारे. आपका बापू नहीं कहेगा? अगर आप कहेंगे सुबह सुबह बापू घना जाड्डा लग रहा, नाड़ ना कति जी नहीं कर रहा, तो बापू क्या कहेगा? गणे बहाने ना मारे, गणे बहाने ना मारे. इस चीज को इंग्लिश में क्या कहना है? इसको कहना है डोंट मेक एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस होते हैं बहाने. वैसे कई बार आप एक्सक्यूज का मतलब क्षमा के लिए भी, सपोज करो कोई रास्ते में खड़ा, आप कहते हो हाँ क्षमा कीजिएगा, क्या आप एक तरफ हो सकते हैं? तो आप वहां पे क्या कहते हो? एक्सक्यूज मी कहते हो. राइट, एक्सक्यूज मी यानी कि क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे होते हो. राइट, तो वहां पे तहजीब कहती है कि आप कहें एक्सक्यूज मी, लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूज का मतलब है बहाने, ड्रामे वाले बहाने. तो अगर कहता है गणे बहाने ना मारे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस. ठीक है, अगले में क्या कहता है? अगले में कहता है छो ना टुआवे. बापू की अगली लाइन यही होगी, छो ना टुआवे, बोल चुप का नाले. ठीक है, तो छो यानी कि गुस्सा. तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डोंट एंग्री मी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. कहना होता है डोंट मेक मी एंग्री. डोंट मेक मी एंग्री मने छो ना टुआवे. ठीक है. अच्छा दोस्तों, एक और चीज बता दूं, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई है, तो मेरी यूपी वाली भाषा में हरियाणवी टांग घुसा के बढ़ जाती है कई बार. तो मेरे को माफ कर देना अगर कभी कभी मेरी भाषा में आपको हरियाणवी टोन नजर आए तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी के समर्थन के लिए दिल से हार्दिक शुक्रिया. ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही. घना सारा एकदम नहीं सीखना, धीरे धीरे सीखते जाना है. आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ. तब तक के लिए राम राम.